तो इस वीडियो में हम ब्रोंज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने कॉपर के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। कॉपर के अलावा हम स्टडी कर रहे थे ब्रास, मैंने कॉपर और जिंक के मिश्रण से ब्रास बनेगा, कॉपर टिन को जब मिक्स करेंगे तो ब्रोंज बनेगा, और भी कई सारे इसमें हैं, फॉस्फोर ब्रोंज है, एल्यूमिनियम ब्रोंज है, क्यूप्रो निकल है, ठीक है, कॉपर निकल के मिक्सचर से बनेगा अलॉय बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ब्रोंज के बारे में स्टडी करना है सर। तो ब्रोंज आप जैसे मैंने बताया अभी, कॉपर और टिन को जब मिक्स करेंगे तो ब्रोंज बनेगा। तो ब्रोंज इज एन आर एलॉयज ऑफ कॉपर एंड टिन इन वेरियस प्रपोर्शन। ऑल दो कॉमर्शियल ब्रोंज मे कंटेन एडिशनल एलिमेंट, जो कॉमर्शियल ब्रोंज है उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, फॉस्फोरस हो गया, लेड हो गया, बोथ इसमें दोनों ही टाइप के अलॉय बनेंगे, जैसे बोथ कास्टिंग भी बनेगा और रॉट अलॉय भी बनेगा, ठीक है। कास्टिंग अलॉय कंटेन्स अप टू 18% टिन, ये थोड़ा ध्यान रखना, एंड रॉट अलॉयज अप टू 10% टिन। ऑल द प्लेन टिन ब्रोंज बिकम्स ब्रिटल है ऑन हीटिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ टिन, टिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग मेटल हमने ऐड किए उसमें तो वो ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा प्रिवेंट कर देते हैं। जैसे मोस्ट मेटल सच एज जिंक, फॉस्फोरस व्हेन एडिड एक्ट एज डी ऑक्सीडाइजर्स एंड कंट्रोल द ऑक्सीडेशन ऑफ टिन, ठीक है बात। तो मेन कंपोजिशन हमारी किसी की आगे पढ़ेंगे हम, ब्रोंज जो है किसके बनेगा, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। फॉस्फोर ब्रोंज देखो ध्यान से एक बार, जैसे मैंने थर्ड नंबर कहा था फॉस्फोर ब्रोंज, अब इसमें क्या है, कहते हैं फॉस्फोर ब्रोंज आर कॉपर एलॉय टिन एलॉय टू विच फॉस्फोरस इज ऑल्सो एडेड, ठीक है, मतलब टिन और कॉपर का तो बनेगा ये, साथ में इसमें फॉस्फोरस भी हम ऐड करेंगे। टू दो अलग अलग टाइप के हैं, रॉट अलग है, कास्ट अलग है। तो पहले रॉट फॉस्फोरस ब्रोंज को पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉट फॉस्फोरस ब्रोंज कंटेन 4-6% टिन एंड अप टू 0.3% फॉस्फोरस, बट टिन जो है 14% तक जा सकता है, ठीक है। तो कंपोजिशन मेनली जो कंपोजिशन यूज़ करते हैं वो टिन की 8% है, फॉस्फोरस की 0.3% है, बाकी सारा क्या है कॉपर रहेगा। इसे प्रॉपर्टीज़ मैं फिर कहूँगा, सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से बारे में सारी बातें। तीन बातें वही, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और उसके यूज़। दे कैन बी वर्क हार्डेंड लाइक कॉपर एंड ब्रास, दे हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, कैन बी हार्डेंड बाई ट्रीटमेंट, एनीलिंग अराउंड 700 डिग्री रेंडर्स देम सिंगल फेज डक्टाइल अलॉयज, दे कैन कोल्ड वर्क, ठीक है। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कास्टिंग के थ्रू टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 240 है, ड्रॉन 880 है, एनियल्ड 385 है, ठीक है, एलोंगेशन परसेंटेज में सारा पढ़ लेना, जितना याद करो कर लेना, ठीक है। यूजेज कहाँ का यूज़ कहाँ कहाँ के हैं इसके, रॉट पढ़े थे हम, ठीक है, रॉट फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन हॉट एज वेल एज कोरोजिव कंडीशंस, जहाँ गर्म कुछ काम चल रहा है या जहाँ पे जंग लगने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, वहाँ पे जंग नहीं लगेगा हमारा। दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मैरीन फिटिंग्स, ठीक है, मैरीन फिटिंग में काम आएगा क्योंकि कोरोजन नहीं लगना उसमें, वहाँ पे स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स, जहाँ पानी का काम है ज़्यादा, मतलब पानी का काम है तो वहाँ जंग नहीं लगे इसमें। दीज ब्रोंज विद लोअर टिन एंड फॉस्फोरस कंटेंट्स आर यूज फॉर द स्टीम एंड हाइड्रोलिक वॉल्स एंड वॉल सीटिंग, सारी बातें वही, जहाँ पानी का काम होगा, जहाँ जंग को रोकना है वहाँ इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। एक तो हो गया रॉट फॉस्फोरस ब्रोंज, ठीक है, बताया, और दूसरा क्या था हमारा, कास्ट फॉस्फोरस ब्रोंज। मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड कास्ट फॉस्फोरस ब्रोंज हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या गया, टिन 8-13% होगी इसमें, ठीक है, फॉस्फोरस 1% तक चली गई, वहाँ फॉस्फोरस 0.3% ही तीसरा बस, ठीक है, यहाँ पे 1% तक फॉस्फोरस है, रेस्ट इज कॉपर। प्रॉपर्टीज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गुड स्ट्रेंथ, टफनेस भी सही है इसमें, गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि कास्टिंग के बारे में जिक्र है, सारा कास्ट है। दे हैव कैन कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एरीज की, एलोंगेशन एरा भाई, ठीक है, वीकर हार्डनेस जो है वो 70-100 है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये सारे ही अलग कॉपर है, सारे ही हैं तो कॉपर के ही अलग है सारे, ठीक है। यूजेज दीज आर मच यूज फॉर गियर्स एंड बियरिंग्स में यूज़ करना है, एम्प्लॉयड फॉर हैवी, पहले बोला था हैवी लोड उठाएगा ना, तो हैवी लोडेड बियरिंग्स में, पंप्स में, मैरीन फिटिंग में यूज़ करना है इसको, टू रेजिस्ट सी वाटर कोरोजन, ठीक है बात। फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो उसमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है, गजन पिंस में हो गया, गियर व्हील्स में हो गया इसमें, ठीक है। तो फॉस्फोरस ब्रोंज के बाद अब आएगा एल्यूमिनियम ब्रोंज आएगा, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम ब्रोंज इसमें एल्यूमिनियम भी ऐड हो जाएगा साथ में, और क्या है ना, जैसे फॉस्फोरस ब्रोंज था तो फॉस्फोरस ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम ब्रोंज है तो एल्यूमिनियम ऐड, मैं फिर कहूँगा इतना डीपली नहीं पूछा जाता, ब्रास ब्रोंज के बारे में बातें कम पूछी जाती हैं, अपने हिसाब से आपने याद करना है सारा कुछ इसमें, ठीक है।
अब इसमें फिर आ गया था तीन टाइप क्लासिफिकेशन है इसकी भी, कोल्ड वर्किंग एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, हॉट वर्किंग और रॉट एल्युमिनियम ब्रॉन्ज और कास्टिंग एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। अब कोल्ड वर्किंग एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में क्या एल्युमिनियम 4-7% ऐड हो गया, निकल भी ऐड कर दिया 4%, बाकी क्या है कॉपर है, ठीक है। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है या निकल इंप्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस फर्दर, और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्ट कर देगा निकल इसको, ठीक है। थोड़ी जो लेंथी लगे उसको छोड़ दो उसको यार, ठीक है ना, अपना इजी रखो उसको। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, गुड फैटिक स्ट्रेंथ, एज हार्डनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। हीट ट्रीटेड है ये, गुड कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ करना है, ड्यू टू प्लीजिंग कलर्स दे आर यूज फॉर इमिटेशन एंड ड्रेस ज्वेलरी, ठीक है, क्योंकि कलर इसमें प्लीजिंग कलर इसके, एंड फॉर अदर ज्वेलरी वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो आप, डेकोरेटिव पर्पज़ यूज़ कर सकते हो इसको, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो उसको, सॉरी आर्किटेक्चरल फिटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्किटेक्चर जो काम होता है हमारा सारा पाइपलाइनिंग का, ठीक है, उसमें यूज़ कर सकते हो इसको आप, शीट्स स्ट्रिप ट्यूब्स वायर्स में यूज़ कर सकते हो इसको आप। कोरोजन रेजिस्टेंस है तो कंडेंसर के ट्यूब्स में यूज़ कर सकते हो, मैरीन फिटिंग में यूज़ कर सकते हो इसको आप, पंप के पार्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोल्ड वर्किंग का, हम पढ़ रहे थे हम कोल्ड वर्किंग, ठीक है, तीन टाइप रहते ना, एक हॉट वर्किंग भी है इसमें। अब इसमें एल्यूमिनियम 7-10, आयरन आ गया इसमें, निकल तो है ही है, कॉपर आ गया सर। प्रॉपर्टी यूज़ लगभग आपने पढ़ने, ज़्यादा डीपली नहीं जाना लेकिन इसमें वही बात। थर्ड नंबर पे कास्टिंग आ गया, इसमें भी एल्यूमिनियम 9-12%, आयरन 5%, निकल 5%, मैगनीज ऐड कर दिया 1.5%, रेस्ट इज कॉपर। गुड कास्टेबिलिटी है ये, ठीक है, गुड हीट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है इसमें, थोड़ा याद करना चाहे कर सकते हो आप। यूज़ कहाँ कहाँ करना है भाई, कास्टिंग पर्पज़ यूज़ करना है हमने फॉर हॉट वर्किंग, ठीक है। ड्यू टू हाई कोरोजन रेजिस्टेंस दे आर यूज फॉर मेरीन प्रोपेलर्स, प्रोपेलर शाफ्ट्स, पंप कास्टिंग में यूज़ करना है इसको, ठीक है। पिकलिंग क्रेट्स, चेन्स, हुक्स में यूज़ करना है इसको हमने, ठीक है। इंक्रीजिंगली यूज फॉर नॉन स्पार्किंग फिटिंग्स एंड टूल्स में यूज़ करना है इसको, काफ़ी सारे यूज़ करना है। लास्ट टॉपिक जो हमने इस यूनिट में पढ़ना है वो है गन मेटल के बारे में, आता है कई बार दो नंबर में चार में फंसता है गन मेटल भी। तो गन मेटल क्या है भाई, इट इज़ एन अलॉय कॉपर टिन एंड जिंक, कॉपर टिन और जिंक तीनों का ही मिक्सचर हो गया भाई, ठीक है ना बात, क्या बन गया वहाँ से गन मेटल बन जाएगा हमारा। जिंक इज यूज एज डी ऑक्सीडाइजर, इट क्लीन्स द मेटल एंड गिव्स अ फ्लूडिटी ऑफ कास्टिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड भी डाल दिया इसमें, इंप्रूव्स कास्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये भी क्लासिफिकेशन है इसका, एडमिरेटली गन मेटल है, लेडिड गन मेटल है और निकल गन मेटल है। अब एडमिरेटली में गन मेटल में क्या है, कॉपर 88% है, टिन आ गया 10%, जिंक आ गया 2%। गुड कास्टेबिलिटी है, कोल्ड वर्क बट मे बी हॉट वर्क भी कर सकते हैं काम, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन सब कुछ है इसमें, देख लेना आप अच्छे से आप, ठीक है, पर याद कर लेना। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस टू सी वाटर, नॉट अ गुड अलॉय फॉर प्रोड्यूसिंग प्रेशर टाइट फिट कास्टिंग्स, यहाँ प्रेशर टाइट कास्टिंग हम आप यूज़ नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। यूजेज कहाँ कहाँ पे है भाई, स्टोर फॉर बियरिंग व्हेन लुब्रिकेशन इज गुड एट हैवी लोड्स, इट वाइज फॉर कास्टिंग विच रिक्वायर स्ट्रेंथ विद गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, हाँ यूज़ कर सकते हैं इसको आप भाई, हाई प्रेशर स्टीम में, वाटर फिटिंग में, बोल्ट्स नट्स बुश बनते हैं इसके, बुश बताया था आपको अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद तो ये वाला हो गया, दूसरा लेडिड गन मेटल है, इसमें लेड भी आ जाएगा और क्या, नाम से पता लगा सब कुछ, और क्या, कॉपर 85%, टिन 5, जिंक 5 और लेड 5, ये सारे 5-5-5 हैं, कॉपर 85% आ गया। प्रॉपर्टीज़, गुड प्रेशर टाइटनेस प्रॉपर्टीज़ की, प्रेशर जैसे वहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे यहाँ यूज़ करना है हमने, इट हैज़ वेरी गुड प्रेशर टाइटनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसे, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, गुड कास्टेबिलिटी है, गिव्स साउंड कास्टिंग है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कोल्ड वर्किंग में, सूटेबल नहीं है भाई, ठीक है, हॉट वर्किंग में इसको नहीं यूज़ करना है हमने। यूजेज़ कहाँ कहाँ पे, यूज़ फॉर प्रेशर टाइट कास्टिंग, फॉर टैप्स, वॉल्स, टैप टूटियों वगैरह में, वॉल्स में यूज़ करना है इसको हमने, बियरिंग शेल्स यूज़ कर सकते बनाने, इसको बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसको हम, मैरीन कास्टिंग है, अदर कास्टिंग वेयर कम्बिनेशन ऑफ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए, ठीक है ना बात, और कोरोजन रेजिस्टेंस भी चाहिए, वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉल्स में यूज़ करना है, गियर्स में यूज़ करना है। थर्ड नंबर पर निकल गन मेटल हमारा, ठीक है, ये लास्ट है हमारा, निकल गन मेटल में क्या हो जाएगा, निकल रेड हो जाएगा बस, उठ के टिन आ गया 7%, जिंक 2.25,
लेड 0.3 निकल आ गया, 5% रिमाइंडर कॉपर। प्रॉपर्टीज व्हेन सैंड कास्ट एंड हीट ट्रीटेड इट हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे रखी है बड़ी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी। इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर स्लाइटली सुपीरियर अदर गन मेटल्स, बाकी जो गन मेटल्स जो हमने पहले दो पढ़ी हैं उससे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी है। गुड कास्टेबिलिटी गिव साउंड कास्टिंग्स, प्रेशर टाइटनेस क्वालिटी आर इक्वल टू दोज ऑफ लेड, दोनों की लगभग लगभग सेम है। गुड मशीनेबिलिटी, यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करना है भाई इसको हमने, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रेशर टाइट कास्टिंग्स, यूज फॉर मेकिंग स्टीम पाइप फिटिंग्स, इट्स कास्टिंग आर यूज फॉर वॉल्व्स एंड फिटिंग फॉर हाई प्रेशर लाइन्स, जहाँ पे वो पाइप लाइन जहाँ पे फ्लूड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको हम। केमिकल प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, इट आल्सो यूज फॉर मेकिंग हाइड्रोलिक वॉल्व्स गियर्स एंड बियरिंग्स। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यूर दिस यूनिट, एक्सरसाइज वगैरह ट्राई करें, इसको अच्छे से पढ़ें, आगे फिर नेक्स्ट यूनिट में करेंगे बात।